हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज जो मैं बताने वाला हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो कि आपको एमसीआईटी पे के स्टूडेंट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि ये सर्वर क्या होता है, सर्वर क्या काम करता है और ये किस प्रकार से हम लोग उसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही सब देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूले। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह है और मैं आपको बताऊंगा आज सर्वर के बारे में। सर्वर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे एक मेन सर्वर बनता है और बाकी सब क्लाइंट पीसी बनते हैं। मेन सर्वर का काम है कि बाकी पीसी को क्या काम देना है, कभी कंट्रोल कैसे कंट्रोल करना है और कौन से टाइम पे क्या काम करना है, कौन सा यूज़र लॉगिन करना है। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर बन जाएगा जो बाकी के कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर पाए, इन शॉर्ट। और हम लोग ने सर्वर पे कोई अगर सर्विसेज स्टार्ट की तो क्लाइंट वो हैंडल कर सकता है, राइट? ओके, सो ये सर्वर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मतलब प्री रिक्वायरमेंट उसका क्या क्या है? आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम है मेहुल वर्मा और मैं बताने वाला हूँ यानी सर्वर के लिए कौन सा विंडो लगता है। तो पहले फर्स्ट था, पहले यानी विंडो सर्वर एंटीज था, फिर उसके बाद विंडो सर्वर 2003 आया, फिर उसके बाद विंडो सर्वर 2008 आया और अब लेटेस्ट है विंडो सर्वर 2008 R2 का इस्तेमाल हम लोग इस सर्वर में कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डोमिन यानी सर्वर पीसी है। अच्छा, ये सर्वर पीसी आप लोग ने बनाया हुआ है? यस सर। ओके, तो इसके मतलब ये सर्वर डालने के लिए उसमें कौन सी चीज़ें हुई, यानी कौन से कौन से प्री रिक्वायरमेंट रहते हैं? पहले तो नेट कनेक्ट होना चाहिए आपका, फिर उसके बाद लाइन सब नेट मैंने नेटवर्किंग कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्टिंग होना चाहिए और लाइन सब ओके रहना चाहिए और क्लाइंट पीसी होने चाहिए। ओके, तो अभी इसके लिए और कुछ प्री रिक्वायरमेंट? आपका नाम क्या है? मोहम्मद ईशान। ओके, सबसे पहले आपको ड्राइवर्स चेक करना पड़ता है। अच्छा, बताइए मुझे ड्राइवर्स कैसे चेक करते हैं, मतलब किस चीज़ के ड्राइवर्स हमको चेक करने पड़ते हैं? लैंड का ड्राइवर चेक करना पड़ता है। ओके, तो ये लैंड करके ड्राइवर्स के लिए माई कंप्यूटर राइट क्लिक मैनेज में जाएंगे। ओके, अभी ओके, तो नेटवर्क एडाप्टर जो दिख रहा है वो मेन है क्या? जी सर। अच्छा, ये अपना लैन कार्ड है, राइट? तो ये लैन कार्ड के ड्राइवर के बाद आपको दूसरी और क्या जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर का नाम चेंज करना पड़ता है। कंप्यूटर का नाम और उसके अलावा उसके बाद में नेटवर्क का आईपी एड्रेस देना पड़ता है। अच्छा, नेट मतलब हमको जो नेटवर्किंग का जो क्लास चाहिए वो अकॉर्डिंगली आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस के कितने क्लास है और क्या करता है? आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम स्वप्निल है और नेटवर्क आईपी एड्रेस के तीन क्लास रहते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए में प्राइवेट आईपी एड्रेस रहता है जिसकी स्टार्टिंग होती है 10.0.0.1 से लेके 10.0.255.255.255 क्लास का होता है। उसी तरह क्लास बी का भी होता है जिसकी स्टार्टिंग होती है 172.260.0.0.1, उसकी एंडिंग भी 172.16.255.0.255.255। और उसी तरह क्लास सी का रहता है 192.168.0.1 ओके। तो ये जो है क्लास ए, बी और सी में से कोई भी क्लास का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? यस। ओके, तो मुझे बताया कि आईपी एड्रेस कैसे डाले जाते हैं जीशान? ये क्लाइंट पीसी है, उस पर आईपी एड्रेस डालने के लिए बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, माय नेटवर्क प्लस राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, चेंज सेटिंग अडैप्टर में जाएंगे, लोकल एरिया कनेक्शन में आएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, स्किन आईपी वर्जन फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, इसमें प्रॉपर्टीज में जाएंगे इसके। ये अपना दो ऑप्शन है अभी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग ने ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली को सिलेक्ट नहीं किया है, यूज फॉलोइंग आईपी एड्रेस के अंदर आपने क्लास ए का आईपी एड्रेस डाला हुआ है, राइट? जी। तो उसी प्रकार से सर्वर में भी डालना पड़ता है पहले? जी सर, सर्वर। ओके, तो दिखाइए सर्वर में कैसे डाला हुआ है। सर्वर में उसी तरीके से चेक करने का तरीका है। ओके, तो इसमें वन जो इसका मेन रखा हुआ है, मेन रखा हुआ है, यानी आपने सबसे पहले एक आईपी एड्रेस ले लिया, लैंड कार्ड के ड्राइवर देखे और दूसरा अभी क्या चीज चाहिए सर्वर के लिए? जैसे कमांड देना पड़ता है डीसी प्रो रन करने के लिए। अच्छा, तो मतलब सर्वर बनाने के लिए एक कमांड की जरूरत पड़ती है, कौन सा कमांड है? रन में जाके आपको डीसी प्रो रन करना पड़ेगा पहले। ओके, तो मुझे बताइए रन में जाके कैसे डीसी प्रो रन करते हैं? टाइप करना पड़ेगा
स्टार्ट में जाने के बाद फिर डीसी प्रमोट टाइप करना पड़ता है, फिर उसको रन कर लो। और ये एनालाइज होना चालू हो गया, यानी कि सर्वर बनाने के लिए काम चालू हो गया, राइट? इसके बाद क्या होता है, मतलब सीओजी डीसी प्रोमो सर्विस देना चालू करते हैं क्लाइंट पीसी को। अच्छा, मतलब ये डीसी प्रोमो ने कॉन्फ़िगरेशन चालू हो गया, वेलकम टू एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, अभी इसको यहां पे नेक्स्ट कर दूंगा, इसकी इंफॉर्मेशन है। ओके, मतलब ये विंडोज एनटी को सपोर्ट नहीं करता ऐसा बताया, क्योंकि विंडोज एनटी काफी ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? तो ये विंडोज एनटी सबसे पहला ऐसा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, राइट? ओके, तो उसके बाद विंडोज 2000 आया, विंडोज 2003 वगैरह आया। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट। यहाँ पे इसके दो ऑप्शन है, एग्जिम फॉरेस्ट और क्रिएट अ न्यू रोमन फॉरेस्ट। एग्जिस्टिंग यानी दूसरे जो सर्वर जो मेन रहेगा उससे कनेक्ट होने के लिए, या फिर अपने को खुद नया सर्वर बनाने के लिए दूसरा ऑप्शन है। तो अपन खुद नया सर्वर बनाएंगे, खुद का मेन सर्वर बनाएंगे, इसके लिए सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। मतलब ये जो पहला ऑप्शन है वो कोई क्लाइंट पीसी या हम लोग ने चाइल्ड डोमेन बनाना है तो ऊपर वाला ऑप्शन है, या एडिशनल डोमेन कंट्रोल बनाना है तो ऊपर वाला है। ये हम लोग नया पूरा फॉरेस्ट बना रहे हैं इसके लिए नया लिया, राइट? यस। ओके, इसके नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपने सर्वर का नाम दे सकते हैं, जैसे कि point.in। ओके, तो आपने point.in आपके सर्वर का नाम दिया हुआ है, इसको SQDN नेम बोलते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, राइट? यस। मतलब जो भी क्लाइंट रहेगा वो क्या इसी नाम के आधार पे पहचाना जाएगा? यस, और इसी आधार के नाम पे वो नीचे काम अपने हैंडल कर पाएंगे, वर्क करेगा। यानी कोई भी क्लाइंट जो रहेगा वो client.point.in के नाम से आएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट कीजिए। फिर यहां पे सर्वर बनना चालू हो गया, ले चेक कर रहा है कि और कोई डोमेन इस नाम का है क्या, राइट? यस। इसको थोड़ा सा वक्त जाता है शायद। इसमें क्या सर्वर के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन यानी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन मायने रखता है? ओके, मतलब अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए तभी सर्वर आप उसके अंदर डालोगे तो बेहतर रहता है, राइट? यस। ऐसा क्यों? लेकिन मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा लोड रहता है सर्वर के ऊपर? ओके ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा डोमेन फंक्शनल लेवल आया है, ठीक है, कोई भी क्लाइंट को नाम या आईपी से पहचानने का काम करता है, राइट? ओके ओके, तो मतलब DNS सर्वर कंपलसरी है इस पीसी में? यस, बिना DNS अगर मेरे पास DNS सर्वर अलग से है तो मैं इसी कंप्यूटर ना कॉन्फ़िगर करूं तो चलेगा? चलेगा। ओके ओके, तो अभी दिखाइए ये DNS ऑलरेडी इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए बोला है उसने, राइट? नेक्स्ट कीजिए। मतलब यही कंप्यूटर हमारा सर्वर भी बनेगा, एक्टिव डायरेक्टरी और DNS सर्वर भी बन जाएगा। यस, हालांकि DNS इसमें पूरी तरह से नहीं बनता है, इसको अलग से कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है। यस, यहाँ पे हमारे सभी डेटा फाइल सेव हो जाएंगी, सेव विंडोज। अच्छा, इस मेरे टाइम में हमारी डेटा फाइल सब सेव होने वाली है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे पासवर्ड देना जरूरी है, मतलब डायरेक्ट ये कभी एक्टिविटी उड़ाने का रहेगा तो ये पासवर्ड डालना पड़ता है। ओके, तो पासवर्ड जो रहता है वो कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट रहता है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक अल्फाबेटिकल होना चाहिए, एक नंबर एक होना चाहिए, एक सिम्बोलिक, ये तीनों की का मिक्सचर होना चाहिए। ओके ओके, सबने डाल दिया यहाँ पे, ये आपने अल्फाबेटिक न्यूमेरिक और सिंबॉलिक तीनों की का मिक्सचर किया है। ओके, हो गया। और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे हमें सब जो हमने सेटिंग जो सब की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो। तो अभी ये जो प्रोसेस चालू हो चुका है, ये जो पैन जैसा कुछ लिख रहा है, मतलब ये एक्टिव डायरेक्टरी बनना चालू हो गया, चालू हो गया। इसके बाद एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा पीसी को? यस, रिस्टार्ट करना जरूरी है। तो जैसे ही रिस्टार्ट हो जाएगा तो हमारा ये सर्वर बन जाएगा, राइट?
ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्लाइंट बनाया जाता है. ओके, थैंक यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू प्रिंस. थैंक यू. हेलो गाइस, तो फिर आप मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा. प्लीज़ हमारे ऑनलाइन कोर्स भी शुरू होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर. इसके लिए काम चालू है लेकिन 3-4 महीने और जाएंगे. आप खाली कांटेक्ट में रहिए तो आपको तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. ऑफलाइन बैचेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक की बैच जून में शुरू होगी, एम्बेडेड सिस्टम की जुलाई में और इलेक्ट्रिकल की अगस्त में. सो, अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर. और अगर आपको ये जो वीडियो हम लोग ने बनाया वो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूले और ज़रूर शेयर भी कीजिए. और अगर अब तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए. थैंक्स फॉर लिसनिंग.